स्टूडेंट्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। कैरियर की फ्रीक्वेंसी हम लोग ओमेगा सी से लिखते हैं और बेस बैंड सिग्नल को ओमेगा एम से, मींस मैसेज हो गया और ये कैरियर हो गया। जो बैंडविड्थ है वो यहाँ पे बहुत कम बताई गई है, किससे? कैरियर से। थ्योरेटिकली जो कैरियर वेव होता है वो जनरली हमें मिलता है मेगाहर्ट्ज में या तो गीगाहर्ट्ज में, और मैसेज सिग्नल जो होता है वो यूजुअली अपन किलोहर्ट्ज में लिख देते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज आर नॉट कंटेंड इन द वेव। तो पहले एक वेव फॉर्म पढ़ लेते हैं फिर बात करेंगे। ये कैरियर होता है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी भी होगी और ज्यादा एम्पलीट्यूड भी होगा, बेसिक प्रॉपर्टीज हैं ये। तो अपन लिखते हैं कैरियर, ये हो जाएगा ए ऑफ सी साइन ओमेगा सी टी। सिमिलरली जो बेस बैंड सिग्नल होता है उसको अपन लिख सकते हैं मैसेज, ठीक है, मॉड्यूलेटिंग, सब उसी के नाम होते हैं। एक लो फ्रीक्वेंसी और लो एम्पलीट्यूड वाला सिग्नल होता है, यहाँ हो जाएगा ए ऑफ एम, और ये भी sinusoidal फंक्शन है, दिख रहा है अपन को, ये हो जाएगा ओमेगा ऑफ एम टी। डेरिवेशन की कोई नीड नहीं है, सीधा अपन लिखते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का इक्वेशन, तो वो कहलाता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फंक्शन ऑफ टाइम होगा। सबसे पहले सेंट्रल बैंड लिखते हैं हम लोग जो एग्जैक्टली ये होता है, ये हो जाएगा बच्चों ए सी साइन ओमेगा सी टी, फिर हो जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ साइड बैंड्स, तो हो जाएंगे म्यू टाइम्स ऑफ ए सी बाय टू। आपको याद होता है डेरिवेशन से बच्चों, डायरेक्ट इस लाइन को लिख के कर सकते हैं। यहां लिखते हैं अपन लोग ओमेगा सी माइनस ऑफ ओमेगा एम टी, फिर होगा एक नेगेटिव साइन, और मैं यहां लिख देता हूं म्यू टाइम्स ऑफ ए सी बाय टू, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम ऑफ टी। दिस विल बी द इक्वेशन फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। आप देख सकते हो इसको अपन लोग सेंट्रल बैंड बुलाते हैं, ये चीज लोअर साइड बैंड कहलाती है और ये अपर साइड बैंड कहलाता है। इसको देखो और ऑप्शंस को समझ लो, यहां ओमेगा सी दिख रहा है, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम और ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, दैट मींस ये प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट है और ये एब्सेंट है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफी इजी था, ये पढ़ने की जरूरत तो नहीं होती हमें, क्योंकि डेरिवेशंस की क्वेश्चन याद होती हैं बच्चे लोगों को, और ये तीन फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी, इस बात का ध्यान रखना है। हर साल इस तरह की प्रॉब्लम्स मिलाकर एक ना एक एम्पलीट्यूड प्रॉब्लम देता है सामने वाला, और ओमेगा एम हमारा आंसर होगा, इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स काइंडली लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।